पूड़ी भी आके चेक करें। ये हलवा है और ये पूड़ी है और ये खाने वाली है और ये शापर, ये शापर है। चेक करें, आए हाय हलवा देख लो यार, कभी नहीं देखे। खुद खाई जा रहे हैं, खाई यार बाद में कहेंगे चलो जी पैसे डिवाइड करो। मुंह इधर आने चुगी मीटर लगा होता लगाता और जी मैं कब्र ते वेलकम नहीं लगाया होता। जो सस्ती चीज मिलती है वो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। मैं अगली कोशिश कोई 50-60 बजे में टॉफियां लेके जेब में डाल लूंगा। जो मरी शहर है ना, मैं कहता हूँ ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। पहाड़ी इलाका, बेहतरीन किस्म के चश्मे हैं वहाँ पे, झीले हैं 5-6 किस्म की झीले हैं। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू दी कॉकरोचेस भाई चैनल। तो आज मैं नाश्ता करने के लिए, नाश्ते का प्रोग्राम बना था शजीब भाई और मैं भाई मेरे साथ। शजीब भाई कुछ कहना चाहते हैं? शजीब भाई आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो ना आज नाश्ता करने आए हैं, उसकी वजह ये थी कि ना काफ़ी देर हो गई मैं नाश्ता नहीं कभी मिलके किया, तो हम नाश्ता करेंगे मिलके। उमैर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और मज़े की बात पता है कि आज का नाश्ता उमैर मुझे ला रहा है। और तो अगर आपने मोई मोई वीडियोस इसने मुंह से छिपाया हुआ है ताकि किसी को पता ना चले, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जाकर पहले कमेंट्स में बताएं। कुछ ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए कि बाद में बंदे को मुंह छुपाना पड़े। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जाकर पहले वो देखें। चुप कर बे कुत्ते, काफी देर हो गई है, ऑर्डर दे दिया अभी तक आया नहीं है। फाजला पूरी हमने कहा था अभी तक आया नहीं है, मतलब पूड़ी भी आके चेक करें। ये हलवा है और ये पूड़ी है और ये खाने वाली है और ये शापर, ये शापर है। चेक करें, आए हाय हलवा देख लो यार, कभी नहीं देखे। ये भी हलवा है, इससे तो नहीं पेट फुल होने लगा। मैं मुलाना बाजार बांध का बैठा हूँ। तू हलवे की पुताई है? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो गाइस आपने ना कमेंट में शॉपर की तस्वीर भेजनी है ताकि मैं शेजी को उसकी औकात दिखा सकूं। तो गाइस ये मुझे ना कहते हैं मेरी शक्ल शॉपर से मिलती है। आप कमेंट में बताएं मिलती है? भाई से पूछा नहीं, भाई से भी पूछे और कुछ बताते हैं, बाद में बताते हैं। तो ये देखे मैं आपको पहला लुकमा खा के दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह, ये न्यू लुकमा तोड़ा, ठीक है। अब इसको खाना कैसे है मैं आपको पढ़ा वाला पढ़ा चेक करें। पहले हलवा, फिर चने, पहले पूड़ी तोड़े और ये शापर में पैक। पहले पूड़ी तोड़े, फिर हलवे में सिटे, फिर हलवे को लपेटे, फिर मुंह में सुटे। ऐसे तो नहीं होता, मैं कोई तरीका खाता हूँ। ऐसे ही यक बनने हैं, मुझे वीडियो पे लगा के खुद खाई जा रहे हैं, खाई यार बाद में कहेंगे चलो जी पैसे डिवाइड करो। एक और तरीका ये खाने को, ये गंडा प्याज, ये इनकी सौगात है क्योंकि ये राई है, ये राइयों का फल राइयों की बर्फी। हलवा, उमैर तू नहीं आ रहा यार, कुछ बोल। ओवर एक्टिंग की औलाद। तो गाइज मैं आपको एक बात बताता हूँ, इधर मेरी तरफ खड़ा। अभी आते हुए ना शदीप की अपने वालद साहब से बहस हो गई थी, तो लड़ाई की वजह से जो है ना उनकी कब्र बनवा के ना उस पर लिखा है कमिंग सून। एदा दा बंदा है जी, कब्र जान वाड़ के कहता डे जंप कमा। सुबह अपने प्यो ना लड़ पे कहने तेरा नाम बोल दे, कल सुबह पंगे निकलना। एंदे मेनू मुजरे दा शौक सी, एंदा अब्बा मरया नाल मुजरे नियां सीटियां भी ना पाया। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। अच्छा इसको बताया ऐसे बात है जुगत, इसको पंचलाइन नहीं मिलेगी? नहीं यार ये बात नहीं, एंदा मुंह इदा दा चुगी मीटर लगा हुंदा लगाता और जी मैं कब्र ते वेलकम नहीं लगाया हुंदा। पैदल टोल जाके छे लोग मैं कहना शारा मान दे।
जिन्हें बंदर केले तो रुसिया। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, इधर अपनी तरफ घुमा ना, अपनी तरफ घुमा। हाँ मैं आपको ना एक वाकया सुनाता हूँ। ये ना पहली बार जब जहाज में बैठा था ना, तो जहाज उड़ा था, ये सफर कर रहा था, तो एयर होस्टेस ने आके ना कहा कि हमें एक इमरजेंसी आ गई, सारे अपना पैराशूट निकाल के ना तो पहनो, हमने इधर से छलांग मारनी है। शदीद साहब जल्दी उठे, पहले फटाफट पैराशूट पहन के दरवाजा खोल के छलांग मार दी। एयर होस्टेस ने साथ ही दरवाजा बंद किया, कहती बैजो बैजो बस इन्हें बाहर करना सी। दिमाग में चुकत आई है, एक ही आई है और बड़ी लेवल की आई है। वो ये है कि ना एक दिन ना मलक दे, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इधर 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 मलक दे ना गले च, मलक दे ना गले च सिक्का फंस जाता है, डिग पैना ढिड च, ते ना बड़ा आवाजा फैर रहा होंगे। लोग पूछते ना की होया, मतलब सब आवाज आ रही है। कहना यार दुआ करो, एक जगह ना पेमेंट फंसी है, वो निकल आता। तो गाइस बात ये है कि हलवा पूरी वगैरह खा लिया, नाश्ता कर लिया, अब जो है ना एक ही कटोरी बच गई है, चलो। तो अब ये जो है ना हम वापस कराने लगे और भाई को कहना 40 रुपए इसके हमें वापस दे दे। तो गाइस मैंने बताया हमें 40 रुपए वापस करेंगे। इधर इसका 40 वाला मुंह है शापर का। 100 वाला, 100 वाला। गाइस इधर देखें, आपको शेजी की औकात दिखाऊं। ये इसकी औकात गजब बेइज्जती है। तो गाइस आपको मैं मैथ की औकात दिखाऊं, ये देखें। कात नीचे गिर गई, गाइस बिस्ती हो गई। नहीं ये देखें, ये है मैथ की औकात, टूटी जूती। व्हाट इधर कर, हमने शेजी के दो नाम सोचे हैं, एक शापर और दूसरा टाकी। तो मैडम ने बताया कौन सा बेहतरीन है। पार्टी बदल लिया साला, और इसका कचरा। कचरा में हर, और ये वो डर्टू। कचरा रानी का बंदा। तो आपको समझ तो आ गई होगी, ये कचरा रानी है, ये उसका बंदा है। हम आए हैं इधर चाय शाय पीने। अच्छा उसकी वजह ये थी कि हलवा पूड़ी खा लिया तो चिकनाई काफी हो गई थी। ठीक है, उनसे पूछा कि आप लोग के पास है कोई चाय शायद, तुमने कहा नहीं हमारे पास नहीं है, तो हमने सोचा चलो फिर ढाबे पे जाके चाय पीते हैं। ठीक है समरिया, चाय चाय जो ढाबे वाली चाय होती है ना उसका मजा, इसका लेवल कुछ और होता है। इधर एक वो सस्ती होती है इसीलिए। और मेरा भाई यहाँ पे ले आया क्योंकि आज की चाय और नाश्ता मैर के पहले से कहता है जो सस्ती चीज मिलती है वो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। मैर की कोशिश थी कोई 50-60 बजे में टॉफी लेके जेब में डाल लूंगा। और जिसमें वो टॉफी डाल के लाएगा जो बचेगा ना बकाया शापर वो शेर की कहा था। धूप यहाँ पे इस कदर है कि अब सर्दियाँ है, हमें सर्दी फील हो रही है, लेकिन अगर धूप में जाए ना तो धूप चुभती है, चाय मिले शदीद किस्म की चुभती है। और हमारी चाय भी आ गई है, चेक करें। नहीं मुझे पकड़ा दे, मैं पकड़ लेता हूँ। ओए इतना ना पड़ा, एक मिनट पकड़ दो सही। इसको ऊपर फेंक के पकड़ ले यार। एक हाय हाय हाय, दिल वाली चाय, दिल वाली चाय। ये दिखा, ये चीज लव है, ये ना हो तो चाय का जायका नहीं। ये जो झाग निकली हुई है, मैं चाय दिखा किधर पड़ी है। इसको झाग पसंद है, इसको झाग। वो शेर की कात पड़ी है, ये देखे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अच्छा अब ना आप धूप में, एक मजे की बात बताऊं, मैंने सिर्फ ना नाश्ते के पैसे दिए थे और चाय जो है ना ये पिला रहा हूं। ऐसा तो कहीं नहीं, इधर 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 सुदेव के पास भी पैसे कोई नहीं, मुझे लगता है ये बर्तन धो के जाएगा। अब मैंने तो जोकर पहने हुए हैं, मोटे लॉन्ग बूट पहने हुए हैं, मैं तो निकल जाऊंगा, मुझे बाकी इन्होंने चप्पल चप्पल पहनी है, ये पकड़ जाएगा। इसके जोकर से याद है सारी उम्र मैं जोकर जिया बने आ रहा। उसमें जोकर ये था, जोकर नहीं जोकर था वो। यार बात बता कि आप जो चाय का मजा है ना वो आता है कि हल्के हल्के बादल और धुंध निकली हो, लेकिन यहाँ पे धुंध जो है ना अब वो बहुत तेज निकली हुई है। बेगम ने पकौड़े बनाए हो, लेकिन हमारे पास बेगम तो है। अपनी बेगम ले आओ, से क्या हमारे लिए भी बनाए। बेगम तो है नहीं, मोई मोई लगा दी तुम्हारी भी बेगम। अच्छा मेरी भी नहीं आया, इसकी भाग गई थी, इसकी माल्टो ने पकड़ी गई थी किसी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसी जगह क्यों ढूंढनी है, ऐसी जगह क्यों ढूंढनी है, क्योंकि यार ये ना अब लाहौर में ठंड तो है, लेकिन बात ये है कि यहाँ पे वो चस नहीं आ रही, यहाँ पे चस नहीं आ रही। भाई तो ही बता रहा हूँ कि जो हमारे इलाके में है ना बेहतरीन ठंडा मौसम है, पहाड़ी इलाके बारिश लगी हुई है, ठंडा तरीन। एक होता है ना ठंडा जो लाहौर में रहते हैं, एक है ठंडा इलाका, एक तो ठंडा वीडियो बना रहा है, और एक ठंडा वो है जो मैर के साथ रहता है। बोली बोली मेरी कहा जा रही है। Thank you.
यार क्या कह रहा, तू क्या कह रहा था? मैं कह रहा हूँ हमारे इलाके में भाई बेहतरीन ठंडा किस्म का मौसम हुआ था, पहाड़ी इलाके चश्मे जी भाई। मेरा सवाल है, मेरा सवाल ये है कि आप मुझे ये बताओ जो इलाका आप बता रहे हो वहाँ पे ज्यादा ठंडा है या शदीद ज्यादा ठंडा है? चुप कर बे कुत्ते। अच्छा यार वो इस ना भाई जो हमारा इलाका है ना बेहतरीन ठंडा हुआ इस टाइम, वहाँ पे जो है ना मेरी बात हुई थी कल ही फैमिली से, इतना कोई लेवल किस्म का मौसम है ना, मैं हाजिर हूँ जब मर्जी तुम्हारा प्रोग्राम बनता है। प्रोग्राम नहीं प्रोग्राम प्रोग्राम तुमने बताना है जिस दिन तुमने जाना हुआ मेरी तरफ से डन। तो गाइस उमर कह रहा है ये जा सकता है, जा सकते हो तुम? बात में लग गया शिदाई भाई भी फ्री है, इन दिनों में यूनिवर्सिटी के पेपर हो गए, पेपर इसके हो गए, ये भी फ्री है, उमर भाई भी फ्री है। उमर भाई शुरू दिन से कह रहे हैं कि यार आपका इलाका देखना, ये लोग कभी भी नहीं गए। तो इन दिनों में जो दिसंबर और जनवरी चल रहा होता है ना बेहतरीन किस्म का मौसम होता है, वहाँ पे धूप सूख का कोई चक्कर नहीं होता। जो मरी शहरी है ना मैं कहता हूँ ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, पहाड़ी इलाका बेहतरीन किस्म के चश्मे हैं वहाँ पे, झीलें हैं 5-6 किस्म की झीलें हैं, एक पहाड़ी इलाका है काफी ऊंचाई बुलंदरी सतह पे जाके फिर उससे भी ऊपर एक सतह है। अच्छा हाँ, यानी कि निचले लेवल शुरू होकर एक पहाड़ी इलाका आता है फिर उससे भी ऊपर, मतलब तेरा गाँव नीचे है यार, वो नीचे शहर है। अच्छा शहर से ऊपर एक पहाड़ी इलाका, छोटे लोग हैं बुलंदी के ऊपर है, पहाड़ी सफर तय कर उसी ऊपर फिर एक पहाड़ी इलाका, वहाँ पहाड़ी कैसे चढ़ेंगे? वो हाइकिंग करने पड़ेगी? नहीं यार होंडा बट्टू फैम रोड बाय रोड बना हुआ, तो वहाँ पे ना जो मेरा घर है ना वो नीचे, तो मेरा ये जेन बना हुआ गाड़ी पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है जो इन दिनों में है ना, बाइक पे जो चलेंगे बाइक पे जाएंगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट बाइक वाली चस आ गई, आगे बोल आगे बोल। ये फायदा कि भाई इन दिनों में बड़ा ही मजा आएगा, इस तरह के मौसम चल रहा आपके भाई के पास अल्हम्दुलिल्लाह होंडा 125 खड़ा हुआ है, ये बाइक चलेंगे साथ। मेरे पास भी है होंडा 70, मेरे पास शापर भी है ताकि शिदेव अपनी बात ना बोले। अच्छा तो ये हमारा जुजीन बन गया, पका है इनके ऊपर, मेरी तरफ से मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ, इनके लिए हाजिर हूँ जब इनका प्रोग्राम बनता है मेरी तरफ से। लव भाई को नहीं तो अभी बना लो ना, अभी बना लो प्लान, क्योंकि अभी मुझे छुट्टियाँ संडे से लेके आगे ऑनवर्ड 1 वीक की छुट्टियाँ, तो वैसे प्लान कर लो फिर प्लान करो यार। अच्छा टोपी इसने नशियों वाली पहनी हुई है, मेरी तरफ से कोई इतराज़ नहीं है, जब तुम्हारा दिल करता सो बिस मिलाओ मैं हाजिर। तो मेरी तरफ से भी यस है उमर, यस इधर ओ यस, हमारा प्रोग्राम बन गया हुआ, इनका भी डन हो गया हुआ जाने का, ठीक है मैं भी हाजिर हूँ जब इनका दिल करे सूर बिस्मिल्ला मैं भी छुट्टियाँ लूँगा चल पड़ूंगा। दूसरा ये है कि इंशाल्लाह जब हम वहाँ पे जाएंगे आपको सारा कुछ दिखाएंगे, चश्मे हैं वहाँ पे, झीले वगैरह लेवल किस्म का, पहाड़ी लाकर हाइकिंग वगैरह करेंगे, चार साल की एक दफ़ा और हाइकिंग करेंगे कि हगिंग करेंगे? हाँ तो अगर वहाँ पे नहीं नहीं वहाँ पे अगर कुछ ना मिला तो फिर वहीं पे हगना पड़ेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सही है हमारा जो ना प्रोग्राम डन हो गया हुआ, इंशाल्लाह संडे का तुम लोगों ने दिन बनाया तो मैं संडे का करो। हाँ संडे का करो तो मैं भी छुट्टियां ले लेता हूँ, फिर छुट्टियां लेने के बाद फिर इंशाल्लाह संडे को निकलते हैं इस चीज़ के लिए। दूसरा ये है कि हम जो बनाया है इंशाल्लाह मज़ा आएगा, आपको दिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। भाई आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, अगर वीडियोस देखते हो सब्सक्राइबर्स भी कर दो, सब्सक्राइबर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ये हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर हमसे कोई गलती हो रही है, कोई हम मिस्टेक कर रहे हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। कोई तरीका है भीख मांगने का? आप लोग हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हम आगे जिस जगह जाने वाले हैं वो जगह बहुत मजे की होने वाली है। मजे की बात यह है कि वो पंजाब में मरी के बाद मरी 2 से कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे पंजाब के लोगों को वहाँ का बिल्कुल पता नहीं, हम ये चीजें आपके लिए लेके आएंगे। और भाई फिर मैं एक दफा कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।